145 is what KP need in 20 overs, and we'll come back to you in just a bit. Fakhar Zaman aur Haris open karne ke liye aaye hain. Haris ko ek aur mauka diya hai aaj KP ke management ne. Rizwan captain support kar rahe hain youngster ko. Mohammad Haris aaye hain batting karne ke liye, ek aur mauka diya hai unko top order mein. इस बार हवा में खेला लेकिन बिल्कुल गैप में. शानदार बैटिंग का मुजाहिरा मोहम्मद हारिस की जानिब से. ऑफ द मार्क हुए बाउंड्री के साथ. सुहेल तनवीर ने इस बार थोड़ा फुलर लेंथ से स्विंग करने की कोशिश की थी और इतना स्विंग उनको मिला नहीं और फ्लिप किया, पैट्स पिक किया बॉल को बहुत जबरदस्त तरीके से. कॉन्फिडेंट मिला, कॉन्फिडेंस मिला होगा इस शॉट के बाद हारिस को. जी क्योंकि हदफ भी ज़्यादा नहीं है तो इनके पास मौका है कि कुछ वक्त गुजारें इस पिच पर, इसके आव भाव का, इसकी रफ्तार का अंदाज़ा कर लें, बाउंस का अंदाज़ा कर लें. इस बार बड़े दिलकश तरीके से खेला. चार फील्डर हैं ऑन साइड में लेकिन ये कम पड़ गए मोहम्मद हारिस के लिए जो अच्छा खेलते हैं इस तरफ. बहुत ज़बरदस्त साइन है ये. हारिस बेशक पिछले मैचेस में इतना कुछ नहीं कर सके लेकिन स्टिल दिलेरी से बैटिंग कर रहे हैं और अपने शॉट्स को रोक नहीं रहे. बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से लगाया. मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ा नाम है. अच्छा विकेट कीपर ने ज़रूर डाइव की लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर थी. मोहम्मद आमिर ख्याल था कि विकेट कीपर इस गेंद तक पहुंच सकते थे. अच्छा बॉल मोहम्मद आमिर का, रोल किया फिंगर्स को, कटर मारा और स्लिप मौजूद नहीं थी जो कि थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइज है कि अगर लो टोटल आप डिफेंड कर रहे हैं तो आप को विकेट लेना है और स्लिप ना होने की वजह से. गेंद पर यहाँ बॉलिंग नहीं कर रहे पाकिस्तान में. इस बार एक्स्ट्रा बाउंस मिला लेकिन कोई फील्डर नहीं था मिड विकेट पर. अच्छा मुकाबला आमिर और नौजवान हारिस के दरमियान. इस ओवर में 9 रन बने, 14 पर कोई नहीं. सुहेल तनवीर कंटिन्यू कर रहे हैं. इस बार अपने शॉट को चेक किया, एक रन जरूर मिला. बड़े अच्छे टाइमर लगे हैं अभी तक ये जो 11 गेंदें खेली हैं मोहम्मद हारिस ने. लेकिन दूसरी तरफ एक बात है कि सिंध का जो सेमीफाइनल है वो केपी से होगा. दूसरी और तीसरी पोजीशन पर आने वाली जो टीमें हैं, तीन फील्डर दायरे के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ इस बार गेंद को थर्ड मैन सिर्फ रास्ता दिखाया. अच्छी बैटिंग कर रहे हैं हारिस. बिल्कुल हमने अब तक कोई भी बड़ा शॉट अटेम्प्ट नहीं किया, खतरा मोल नहीं लिया. चार ओवर्स मुकम्मल हो गए, 27 पर कोई नहीं. हारिस ऑफ फॉर अनदर सिंगल. स्पिन with that single 34 for not after 5. Oh, smashed short and dismissed from his presence. Haris versus Haris. Mohammad Haris getting the better of this one, standing tall, pulling it away. Exquisite timing here. 4 runs. So you need that confidence. And this guy surely has that and he showed that again, pulling in front of square. Absolutely, like you said, self-belief being shown, being displayed in action here by Mohammad Haris. He's not bothered by Haris Rauf's record in this tournament. He's not bothered by Haris Rauf's pace
all he knows, he's good and he can deliver, and that's what he's doing. Running between the wickets, the intensity is there. He has to actually work on taking the pace off the ball, which is generally a very quick turning off the pitch, and the spinners were difficult to get away, so they could apply the pressure by starving the batsman of runs. But now it's only Imad who can take the pace off considerably. स्वीप शॉट और इसको काफी फाइन खेलने में कामयाब हुए हारिस और चार रन हासिल किए. अच्छा बॉल और तेजी से एक रन बनाया. ओह यार, थोड़ा सा बॉल को एयर दी थी इमाद ने. रन हासिल किया थर्ड मैन की तरफ खेलकर और 10 ओवर का इख्तिताम हुआ 64 पर 1. और एक अच्छा कट शॉट हारिस की जानिब से. दूसरा रन हो सकता है ये मिस फील्डिंग सोहेल तनवीर की जानिब से. और अब ऐसा ऐसा प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं मोहम्मद हारिस और कॉन्फिडेंस लगता है उनका ग्रो करता जा रहा है. ये फायदा होता है अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वो करीब जैसे बल्ले पे बॉल लगता है भागते हैं. बैक टू बैक विकेट हासिल की जाए. अच्छा सिंगल हारिस, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त. हवा में गेंद और चांस था बट फैक्टर ऑफ द मैटर इज नॉर्दर्न जस्ट प्लेइंग विद वन स्पिनर. He should be coming back for two. 85 for 3 after 13. Trying to go down the ground this time. Only bad news is that I'll see if Rizwan playing him in the series. Let me get your opinion about wanting to bat first, winning the toss, wanting to bat first, especially in knockout games. Are you a fan of that dry out here? That's nicely played, safe. That's the end of the over. We'll come back to this. 14 gone, 91 for 3. It looks good for TV, doesn't it? You can actually follow the ball where it went. I think they should look into that as just keeping the dew on the ground so that you can. Nicely played, the ramp shot, use the pace, and I reckon it's gone all the way. I think the only batsman I can remember using the switch hit a lot is KP. Style them then.
with a batsman not out at 50, 63 rather. We'll have to wait and watch. 16 gone, 108 for four. So, एक रन कंसीड करने में और इसे बड़ी खूबसूरती के साथ खेल दिया. यहां है तुंगा स्कूप हारिस का. एक रन इस बार मिल सकेगा. एक रन मिल सकेगा. और निहायत शानदार शॉट, काबिले तारीफ बैटिंग मोहम्मद हारिस की. और ये पहला चौका लगाने की कोशिश थी, कामयाबी नहीं मिली. दो फील्डर स्क्वायर के पीछे हैं लेग साइड में. ये ऑफ साइड में शॉट खेला, लेकिन एक ही रन हारिस को मिल सका जो सरबर इस इनिंग्स में नजर आए पहले ओवर से आखिरी गेंद तक.